अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ अलग में ना आ जाए, बहुत अच्छा एटीट्यूड है। कभी नीचे गिर रहा था, कभी मैं ऊपर सर उठा लेता था। खासता अभी बाकी है, नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो गई है। ओके, पूरा चैन करते हैं। नाजीज गेम क्या हो गया। सो ये एक रैंडम व्लॉग है जिसमें मैं कुछ रैंडम बातें करूँगा और बताऊँगा कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते में मैं कहाँ गायब था, चैनल पे कंटेंट क्यों नहीं आ रहा था, मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रहा था। वो सारी बातें मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। मेरी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान न दें क्योंकि एक रीज़न की वजह से मैंने टॉपिक बनी हुई है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अगर आपको टॉपिक अच्छी नहीं लग रही सो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेन टॉपिक में बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जैसे कि आपको पता है, और बड़े ही अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, अपसेट भी हो रहे हैं और बारिश भी अपना रंग दिखा रही है। तो T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब एक वीडियो डाली थी जो कि थी ये, उसमें हारून फारूख़ी साहब भी थे। उसमें मैंने कहा था कि मैं बहुत सारा कंटेंट डालूंगा T20 वर्ल्ड कप के दौरान अपने चैनल पे। और उसके बाद मैंने जो अपने चैनल पे लास्ट वीडियो डाली वो थी ये वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन वाली, जिसमें हाँ बाय द वे उस पर व्यूज़ बड़े अच्छे आए हैं, 200 व्यूज़ टॉप हुई। ये पहली वीडियो बन गई है चैनल की, सभी साल के चैनल की जो 200 व्यूज़ पार की है, तो बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं चैनल पर, दैट्स गुड। लेकिन अभी भी सब्सक्राइबर्स उस तरह से बढ़ नहीं रहे, तो सब्सक्राइब करें। और उस वीडियो को तो देखा आप लोगों ने, शुक्रिया। लेकिन उससे पहले वाली वीडियोज़ भी देखें जो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, वो वीडियोज़ भी देखें, उन पर भी व्यूज़ आने चाहिए, ठीक है। तो सारी वीडियोज़ देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर रहें, सब्सक्राइब करके छोड़ ना दें। ये बार बार मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने वीडियोस देखनी है तो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप की वो वीडियोस डालने के बाद मैं कहाँ गायब हो गया, उसके कुछ रीजंस हैं। पहले तो ये कि T20 वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ है जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी वो ऑन द मार्क हुई, मतलब वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, मतलब क्वालिफाइंग राउंड से ही अपसेट होना शुरू हो गया। जैसे श्रीलंका नमीविया से हार गया, वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड से हार गया, वो तो खैर क्वालिफाई नहीं किया, श्रीलंका तो क्वालिफाई करेगी। लेकिन उसके बाद सुपर 12 राउंड मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो पहले दिन से गलत होना शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार गया, वो भी इतना बुरा फेंटा लगाया न्यूजीलैंड ने उनका, तो मुझसे बिल्कुल नहीं बनाई गई उससे वीडियो। उस पर वीडियो मैंने सोचा था पहले मैचेस के रिव्यूज़ करूँगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि रिव्यूज़ बहुत ही बोरिंग करता हूँ मैं, तो वो मैचेस के रिव्यूज़ करना तो मैंने छोड़ दिए। फिर मैंने सोचा कि व्लॉग्स बनाते हैं, तो व्लॉग्स बनाने का सोचा तो इस तरह के मैचेस हो गए। मैंने कहा इस पर क्या अपनी प्रेडिक्शन कर रहा था वो बताऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार गया। उसके बाद सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान, सबको पता है लास्ट बॉल गया, कैसा ड्रामा हुआ। मेरी तो हार्ट बीट तेज हो गई थी, लेकिन ऑनेस्टली मैं था इंडिया के साथ, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन के नीचे में कुछ कर सकता है। लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज्ड वंस अगेन टीम से कि उन्होंने लास्ट बॉल तक मुकाबला किया और इतना एंड तक ले गया, लेकिन नवाज का लास्ट ओवर सबको याद रहेगा। तो ये हुआ, उसके बाद वॉश आउट होना शुरू हो गया मैचेस, बारिश आना शुरू हो गई। एक तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में मैचेस हों, ऊपर से बारिश आ जाए, एक तो पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी, पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी, पॉइंट टेबल पाकिस्तान इंडिया से तो हार गया, चलो ठीक है माफ़ कर दिया, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ था। लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे से हार गए, और वो भी इतना बुरा, मतलब मैं कहूँ कि क्या डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को। फिर भी हम लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों के पास और क्या चाहते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है हमारी टीम। मुझे तो बिल्कुल चांस सब खत्म हो गया, सबको मुझे क्या सबको पता है कि हमने पहले राउंड से वापस आ जाना है। और मेरी ये प्रेडिक्शन ठीक होगी। मैंने कहा था पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो सकता है और वो हो गया। तो वॉश आउट होना शुरू हो गया मैचेस, उससे मेरा मूड और ख़राब हो गया। मैंने सोचा था कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा मैच वर्ल्ड कप का, वो वॉश आउट हो गया, वो नहीं हुआ। उसके बाद एक दो और मैचेस भी वॉश आउट हो गए, तो सारा मूड मेरा होकर ख़राब हो गया। मैंने कहा क्या है टॉपिक ड्रामा यार, वर्ल्ड कप हो रहा है और मैचेस ही नहीं हो रहे, वॉश आउट हुए जा रहे हैं, बारिश हुए जा रही है। खैर तो इन सब वजूहत की वजह से मेरा मूड ख़राब होता रहा और मैं कुछ वीडियोस व्लॉग्स या कंटेंट नहीं बना पाया जो चैनल पे डालूँ। तो इसलिए 2 हफ्ते हो गए उस लास्ट वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन वाली वीडियो को आए हुए, और अब इस व्लॉग में बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं गायब था चैनल से और इसलिए व्लॉग्स या कंटेंट नहीं बन रहा था, वीडियोस नहीं बन रही थी चैनल पे। लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया, लास्ट वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आए और चैनल पर सब्सक्राइब भी बढ़े, तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कंटेंट डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, छोड़ना नहीं है चैनल को, ठीक है। चैनल अच्छा जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो और पिछली वीडियो को भी देखो अगर नहीं देखी, और उससे पिछली वीडियोस को भी देखो ताकि व्यूज़ आएँ और चैनल ग्रोथ करें, ठीक है। तो ये तो एक रीज़न था कि चैनल से मैं क्यों गायब था अपने मेन चैनल से। दूसरी बात, मेन बात जो है कि वो है सर्जीज़। सर्जीज़ हमारा नया चैनल है, मेरा, दाऊद और हारून का। उस पर कॉन्टेंट डालना हमने शुरू कर दिया है। उस पर ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो आई है, हमने AAFTAIN सीरीज़ शुरू की है उस पर, और उसकी ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो भी आई है। अगर आपने उस सीरीज़ का नहीं पता या सर्जीज़ चैनल का नहीं पता तो पता नहीं आप लोग कहाँ हैं, लेकिन अगर पता है तो बहुत अच्छे, लोगों को दूसरों को भी बताएँ। और अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को देखें, चैनल विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट बहुत तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, आपने सीरीज़ शुरू की है, म्यूज़िक वीडियो आ गई है, 2 एपिसोड सीरीज़ की आ गई है, दोनों अगर नहीं देखी तो अभी जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैंने इस व्लॉग में कहनी थी कि मैं कहाँ गया था, मैं क्या कर रहा था। सर्जीज़ के लिए हम लोग कॉन्टेंट बना रहे थे, जिसके लिए मैं अपने चैनल पर थोड़ा कम एक्टिव था, और सर्जीज़ की 2 एपिसोड्स हमने बनाई, म्यूज़िक वीडियो बनाया, और अभी भी आगे इसलिए आगे के एपिसोड्स पर प्लानिंग चल रही है। हमने ये सोचा कि हर वीकेंड सैटरडे या संडे, और ज़्यादातर संडे को ही हर वीडियो आया करेगी, यानी ये सीरीज़ की हर एपिसोड या हर कॉमेडी वीडियो हर संडे को हर वीकेंड पे आया करेगी। तो इसलिए सपोर्ट आपकी चाहिए, सपोर्ट करें सर्जीज़ को, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही, ये कुछ रैंडम बातें थी जो मैंने आपसे कहनी थी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जैसा भी अगर कमेंट्स करें और वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सर्जीज़ को जाकर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। और बस इस व्लॉग में इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्द किसी और अच्छी वीडियो या व्लॉग के साथ, पता नहीं, लेकिन मिलूँगा ज़रूर बहुत जल्द। तो तब तक के लिए, हाँ बस ये बात होती है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।